हर एक स्टेट की तरफ से ढेर सारा प्यार मिल रहा है देसी जंक्शन चैनल को, तो क्यों ना थोड़ी सी तालियां हो जाए फॉर देसी जंक्शन चैनल। बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग लेकर के आए हैं, आप सभी को काफी टाइम से एंटरटेन करते जा रहे हैं और सभी व्यूअर्स और भी ज्यादा एंटरटेन होने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ स्टेज पर मैं बुलाना चाहती हूँ हमारे सिंगर कंपोजर, ऐसे इंसान को जिन्होंने लिरिक्स भी लिखे हैं, मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी, अ वेरी वेल नोन एक्टर। सो उनका नाम हम सभी जानते हैं, कैन वी कॉल हिम दानिश। अगर दानिश बाबा सभी तो अपने आप स्टेज पे आ जाएंगे। लिटिल लाउडर, ये बदल हो गया ना। चलो वो फोटो लो, चलो 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 फोटो। हेलो हेलो हेलो, ये लीजिए प्लीज। यस यस, आइए आइए इधर इधर आओ आओ ना। हेलो, अरे भैया भैया, अरे भैया कंपोजर अगर बात की जाए तो बहुत ही इमोशनल और हार्ट टचिंग है। कहीं ना कहीं आपके बारे में तो सब जानते हैं कि यू नो यू हैव गॉन थ्रू दैट फेस, तो वो फेस कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस किया इस गाने को शूट करते वक्त, या कितना ज़्यादा हार्ट टचिंग रहा वो मोमेंट आपको शूट करते। दानिश का तो मुझे इतना पता नहीं, बट दानिश को पता है वो कंफर्टेबल नहीं हो गया। बट मेरे को तो लिटरली आज भी लोग मेल करते हैं, मैसेज करते हैं कि हमारा ब्रेकअप हुआ है, हम ओवरकम कैसे करें और प्लीज़ कुछ गाइड करो। मैं सोचती हूँ कि इस पर एक प्रॉपर यूट्यूब वीडियो भी बनाऊँ, बट नहीं टाइम मिल पाता, बट मैं कोशिश करूँगी क्योंकि लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है। और जिस तरीके से मैंने सब चीज़ पीछे छोड़ के आगे बढ़ी और मैं इतना खुश हूँ, तो लोग सोचते हैं कि कैसे हुआ, तो लोगों को वही सब चीज़ें जाननी। तो एक दिन ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। और एवरीथिंग इज इन द हेड, अगर आप सोचो सब कुछ ठीक हो सकता है तो सब कुछ ठीक होगा, और अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो आप नेगेटिव ही अट्रैक्ट करोगे, ऐसे मेरी बहन बोलती है। तो ये पॉजिटिव सोचो और फैमिली कम्स फर्स्ट, बाकी सब तो चलता रहता है, बट जो फैमिली है एट दी एंड, तुम्हारा फैमिली साथ देगी और कोई नहीं। तो जस्ट बी विद योर फैमिली, यू ऑलवेज बी हैप्पी। Are you comfortable? It's okay. If you are not, then it's okay. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। और बाकी मेरे गाने ने बहुत कुछ बोल ही दिया होगा ना। राइट राइट, जो मुझे दिल में था, जो डायरेक्ट दिल की आवाज़ आपकी निकली, सब लिख दिया, सब गा दिया, बस आगे तो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। लेकिन यू नो इसके अलावा भी और भी कोई प्लानिंग चालू है आप दोनों की दूसरे प्रोजेक्ट्स में काम करने की? फिलहाल तो नहीं, दानिश को पता नहीं। दानिश को तो ऑब्वियसली दानिश के बैक टू बैक। यस, मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अभी के साथ काम करूंगा। इसका पहले पता नहीं है, इसको भले कोई अच्छे सिंगर एक मैं अपने रूट्स कभी नहीं भूलती हूं, कभी नहीं, तुमको पता है दानिश। करने वाले बहुत करने वाले हैं और अभी तो शुरुआत है, तो बस जी सर। वेल मुस्कान, यू नो मैंने दानिश को बोला है कोई ऐसा गाना लिखो जिसमें एकदम फूट फूट के दुख भरा हो, फूट फूट के, कि फूट फूट के रोना पड़े, मुझे वैसा कोई गाना बोला अभी तक नहीं लिखा लाने। बट नहीं, फूट फूट के रोना है ताकि ऐसे मुझे भी रोना है ताकि ऐसा रो के लोगों से कुछ कुछ गाने होते ना, देख के लोगों को एग्जैक्टली वैसा कुछ करना है।